now invite onto stage, first of all, Gulzar Saab. May I also invite Bhavdeep Ji, Sumit Tappu. Bhavdeep Ji. Can we get some mics for them? May I request Sumit to please first say a few words about being here, about the album, what the album means to him. I was told that the album came across. मेरे भाई ललित पंडित जी हैं, जेडी मजेठिया हैं, रोनू भाई हैं, कृष्णा हेगड़े जी हैं, घनश्याम वासवानी जी हैं, अपने अशोक खोसला जी हैं और निखिल कामत जी हैं, वैशाली सामंत हैं और हमारे मेरे बचपन के मैं जिनका बड़ा ज़बरदस्त फ़ैन था, अगर मैं कलाकार नहीं बनता तो शायद क्रिकेटर बनता, जो मुझे बनने से मेरे पिताजी ने रोक दिया, तो हमारे लेजेंड सुनील गावस्कर जी यहाँ मौजूद हैं और जिनको हमने साक्षात राम के रूप में देखा है, अरुण गोविल जी यहाँ मौजूद हैं, ज़ोरदार तालियाँ इन सब के लिए। कुछ नाम मैं भूल रहा हूँ, दुर्गा झशराज जी मेरी बहन यहाँ हैं, दीपक पंडित यहाँ हैं, फिर मेरे चाचा पंडित तेलुगु प्रसाद जी हैं, संदीप महावीर हैं, राजीव महावीर हैं, बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरा पूरा परिवार यहाँ है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस एल्बम का हिस्सा बना और मुझे ये मौका मिला कि मैं कुछ अपने दिल की बात आप लोगों से शेयर कर सकूँ। शुक्रिया, थैंक यू। सुमित, लगता है आज इंडस्ट्री में हॉलिडे डिक्लेयर हो गया होगा क्योंकि सारे लोग तो यहीं आ गए। चलिए, अब उस वक्त का, जिस वक्त का इंतज़ार हम कर रहे थे, गुलजार साहब, अब आपसे गुजारिश है कि आप कुछ बताएं कि ये दो लोग जब आपके पास इल्तिजा लेकर आए थे तो उस ग्रीन टी में ऐसा क्या मिलाया था इन्होंने कि आपने हाँ कर दी? जी ना, तो मैं कभी भी नहीं करता। ये कह के आपने खुद को मुश्किल में डाल दिया है। मैं तो आपको भी कभी ना नहीं की। आप सर, मैं सिंगर बनने आई हूँ इस इंडस्ट्री में, मैं गाना गाना चाहती हूँ। मेरी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, मुझे म्यूजिक समझ नहीं आता, आप प्लीज एक दो गाने मेरे लिए लिख दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, भवदीप जी ने फोन किया कि मैं किस वक्त आ सकता हूँ। अगर आपको अभी फुर्सत हो तो आप अभी आ जाइए, वरना आप वक्त बता दीजिए। भवदीप जी के साथ, जैसे उन्होंने बताया, 25 साल से एसोसिएशन है उनके साथ। आविदा जी ने जब कबीर गाया था तो उस ज़माने में वो म्यूज़िक भी आप ही का दिया हुआ था। अमजद अली खान साहब के साथ एक वादा नाम से एल्बम की थी, तब भी आप ही थे वहाँ पे, सारे म्यूजिशियन, सारा म्यूजिक अरेंज किया था। तो उसके अलावा बैठकों में, किसी महफिल में, किसी प्रोग्राम में मुसलसल हमेशा मुलाकात होती रही भाभी जी से। और मैं तो बल्कि कहा भी है, मैंने कहीं एल्बम ही में शायद या किसी जगह के भवदीप जयपुर वाले, वो मैं जयपुर वाले भवदीप, भवदीप जयपुर वाले कहते रहता हूँ। और ये भी कहा मैंने कि भाई वो कहीं के भी होते, इतने ही सुरीले होते। हाँ, वो ज़रूरी नहीं था कि जयपुर वाले ही होते। तो और सुनते, और वो एक एसोसिएशन, मैं क्योंकि खुद बड़ा बेसुरा हूँ, ना कभी गाया ना गुनगुनाया, लेकिन अब लेकिन जो गाते हैं उस पर रश्क तो ज़रूर करता हूँ और अच्छा लगता है सुन के। मेरे सामने बैठे हैं हरी भाई, अब उनकी जवानी में मैंने अपना बचपन गुजारा है। हाँ, पंचम के साथ, और पंचम के साथ महफिल में जब भी जमते थे तब से, उस ज़माने से। और रोनू है, बताइए, उनको भी याद होगा, पंकज जी हैं बैठे हुए सब। तो मैं ये कहूँ कि अगर आप किंडरगार्टन हैं सारे, तो मैं फिर अभी बालिग भी नहीं हुआ, मैं तो ना बालिग हूँ, दाखिल हुआ हूँ। लेकिन
ये स्वर की दुनिया, वो पंडित बैठे हुए, वो खड़े हुए हैं, दीपक पंडित हैं उनसे, और एक एसोसिएशन तो किसी ना किसी वजह से म्यूज़िक के साथ लगी रही, पर हारमोनियम पे नहीं बैठ सका, तो वो नहीं कर सका। ज़रूर कोशिश ज़रूर करता अगर तो फिर उस तरफ निकल जाता। समंदर है बहुत बड़ा, मैंने तो सबसे आसान रास्ता ढूंढा कि भाई लिख लो और साथ साथ चलते चलो, जो जो धुन बनाते हैं उनके साथ चलते चलो, तो लिखने का एक रास्ता ढूंढ लिया चलने का। और उन्होंने कहा कि मैं साथ में किसी को लेकर आ रहा हूँ, तो आप बताइए। मैं सुमित आ गए साथ में और इनको देखा पहली बार, और बड़े मध्यम बोलते हैं, बहुत मध्यम आवाज़ में, आपने अभी भी देखा कितना मध्यम बोलते हैं, और मेरा ख्याल है वो सब कोई कहीं कोमल सुर ही में करते हैं बात। हाँ तो बस आए, उन्होंने कुछ जिक्र किया, कुछ एक कॉम्पोजिशन का जिक्र किया, कोई गज़ल का जिक्र, हो गया भाई बहुत हो गया ना, बहुत हो गया। और क्योंकि वरना वो ध्यान जाता कि ये तो देख रहा है मुझे। तो गज़ल का जिक्र शुरू हुआ, गज़ल की बात हुई कि गज़ल करना चाहते हैं, तो वो कि कौन सा था आपके पिताजी ने जो गाया था कि तुमने तो दिल पे इख्तियार किया, तो इनके पिताजी ने किया था, तो मैं तो अपनी सादगी से कह रहा था कि तुमने तो दिल पे इख्तियार किया, भाई हमसे होता नहीं हजार किया, तुमने आदत कर दिए वादे और हमने आदत ने एतबार किया, तो इस तरह से चलती रही हमारी, तो वहाँ से बात शुरू हुई। तो सुमित को तूने, अच्छा मेरे यहाँ हारमोनियम है एक, मैं हेमंत कुमार जी ने, हेमंत दा ने ला के कलकत्ता से दिया था, वहाँ पे बैठा, उसको मेंटेन करता रहा मैं, और वो अब भी है वहाँ। उस पर सलीलदा ने भी आपके पंचम जब दिल पड़ोसी है बना रहे थे हम, वो तो तब भी वो तंग आ जाता था, आशा जी बार बार याद दिला देती थी, देखो देखो वो एल्बम करनी है, देखो देखो वो एल्बम करनी है, तो तंग आ जाता था, तो म्यूज़िक रूम से उठ के कहता था अच्छा चल वो फालतू काम तेरे घर पे करते हैं, तो वो फालतू काम दिल पड़ोसी है जो आपके सामने आते हैं। और वो तो उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा हारमोनियम रखूँ उसे मिनटे, कहने लगे ज़रा इसको शोर ठीक कराने हैं। तो भवदीप जी ने ट्यूनिंग के लिए फिर से भेज दिया, विशाल आते थे तो विशाल ट्यूनिंग के लिए भेज देते थे, मतलब वो आप यकीन मानिए वो हारमोनियम नहीं, ये मेरी ट्यूनिंग करते रहे सबके साथ, जितने म्यूजिक डायरेक्टर्स आए ये सारे कंपोजर मुझे ट्यून करते रहे कि अब तो ठीक लफ्ज लिखो, अब तो कोई सही मीटर में लिख लो, अब तो वजन ठीक रखो अल्फाज का। तो इस सूरत में वो ट्यूनिंग हुआ, एंड सुमित ने उन्हें कुछ बंदिश या कोई बताया कि वो सुनाओ, और वो आवाज़ बड़ी खूबसूरत, बड़े कोमल सी, बड़े आराम से, वो वाकई वो समा गई अंदर, तो कोई वजह नहीं बनती कि उसके बाद मैं इन दोनों के साथ शामिल ना हो जाऊँ। आपने पूछा तो मैं उसके बाद, मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे अल्फाज उन्हें पसंद आ गए और अब सुमित गाते हैं तो अच्छा लगता है, सुनते हुए भी अच्छा लगता है, और ये समझिए कि बस वो अल्फाज को पनाह मिल गई जाके इनके पास, इनकी आवाज़ में जगह मिल गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को, बहुत बहुत शुक्रिया। These are sessions that must have been a lot of fun, Sumit. You should have recorded them and we could have played some of the sessions here. That would have been amazing to just see. कि ये जो दिल परेशान करता है, मैं किसने किसको कितना परेशान किया या किसकी परेशानी सुलझ गई,
because those would be really insightful to watch. But time now for us to watch the actual album, and time to release the albums. And for that, I would like to invite onto stage a few guests of honor, please. May I first of all invite Dr. Krupali, जो खुद बहुत कोमल सुर में बोलती हैं. आइए प्लीज. सुमित की बेटर हाफ. इट्स वेरी टफ टू मेक आउट हु इज द बेटर हाफ आउट ऑफ द टू ऑफ यू, बिकॉज यू डू, बोथ ऑफ यू डू सच इमेंस गुड वर्क. सुमित के पिताजी महेंद्र टप्पू, गुड इवनिंग सर, वेलकम. फ्रॉम द टीम मे आई इन्वाइट मिस्टर संजय जयपुर वाले. संजय भाई. गीतेश यादव, पार्थ दुबे, प्रथम चौरसिया, विजय दयाल, हर्षिल पाठक एंड आनंद डाबरे. मैं ऑल्सो टेक दिस ऑपर्चुनिटी टू इन्वाइट ऑन टू स्टेज आर गेस्ट्स ऑफ ऑनर. सबसे पहले पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी. The evergreen young man of the ghazal world, please welcome Padma Shri Anup Jalota ji. Padma Shri Suresh Vadkar ji. Suresh ji is here. Is he here? Okay, he hasn't come yet. Shri Anil Sharma ji. श्री अभिषेक चौबे, श्री रवि उद्यावर, श्री अशोक खोसला जी, श्री चंदन दास जी, श्री घन